गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इस दौरान महामहिम राज्यपाल द्वारा 45 मेधावियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिसमें 32 छात्राएं और 13 छात्र शामिल रहे। मेधावियों को गोल्ड मेडल मिलते ही छात्रों के चेहरे खिल उठे और सभी ने खुशी का इजहार किया। इस संबंध में मेडल धारियों ने कहा कि बड़े ही मेहनत और परिश्रम के बाद मेडल हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान किसी ने सिविल सर्विस, तो किसी ने प्रोफेसर, तो किसी ने राजनीति में जाने की रुचि दिखाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं ने कहा, मोहम्मद इरशाद अली, 5 मेडल मिले हमको सर। BA टॉप करने के लिए मेडल पाने के लिए कितने मेडल? सर मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है और बहुत खुश हैं, मेहनत सफल हुआ हमारा। फ्रेंड सर्किल अच्छा रखना चाहिए, फ्रेंड मोटिवेट करते रहते हैं और मम्मी पापा भी सपोर्टिव होने चाहिए हमारे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सोनल दुबे है और मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से हूँ और मुझे पूरे डिपार्टमेंट में टॉप करने के लिए मेडल मिला है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं BSc बायो की स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया, तो फिर मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो चूज़ की और इसका नतीजा आप देख सकते हैं, मुझे मेडल मिला है और बहुत खुशी हो रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है क्योंकि दिसंबर में अभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर सारा श्रेय मम्मी और पापा को ही जाता है और मुझे बहुत खुशी हुई है इस मेडल के लिए। कितना मेहनत करना पड़ा? और सर मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है सर, क्योंकि बिना इंटरेस्ट और मेहनत के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में। और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे HOD सर हर सर को और पूरे डिपार्टमेंट के टीचर्स को जाता है और प्लस हमारे PhD के जितने भी स्कॉलर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्हें भी जाता है वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, उन्होंने काफ़ी मदद की है। और ये फर्स्ट टाइम ये सब मैं लाइफ में देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्राची सिंह, कितना मेडल मिला? 2 मेडल मिला है विश्वविद्यालय की तरफ से और विभाग वाला। कितना खुशी हुई है? बहुत खुशी है, हम क्या बताएं, बहुत खुशी। जैसे बच्चे भी हैं जिनको जैसे बच्चे भी होते हैं उनके लिए क्या? देखिए बताएं, होपलेस होने वाली बात ही नहीं है क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उसका फल मिलता है, तो आप कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, फल तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। शिवांगी यादव, कितना मेडल मिला? 3 मेडल मिला। किसमें मिला? BEd डिपार्टमेंट में, BEd। कितना खुशी लग रही महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मिला। कितना मेहनत करना पड़ा आपको इस मेडल के लिए? मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी। किसका सहयोग रहा ज़्यादा? पेरेंट्स का और टीचर्स का भी, हमारे कॉलेज टीचर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इसमें बच्चे होपलेस हो जाते हैं, मेडल नहीं मिलता है, पढ़ाई में कुछ नहीं करेंगे? नहीं ऐसा नहीं, अगर हम लोग को भी नहीं मिलता तब भी हम लोग आगे पढ़ते, लेकिन जो जिन्हें नहीं मिलता है वो भी होपलेस ना हो, कोशिश करें, उन्हें आगे भी नौकरी मिलेगी। अपर्णा हो जा, 3 मेडल मिले हैं मुझे BEd में, BEd डिपार्टमेंट में, अच्छा लग रहा है। कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो करनी पड़ी है, 2 साल पढ़ाई की अच्छे से, उसके बाद मिला है। आशुतोष कुमार तिवारी, कितना मेडल मिला? मुझे 6 मेडल मिले हैं स्नातकोत्तर हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए। कितना मेहनत किया था? मेहनत का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, जितना किया जाए कभी वो कम होता है, कभी वही ज़्यादा महसूस होता है। क्या खास रहेगा, कैसे तैयारी बच्चे करें, किस तरह मेडल पा सकते हैं और भी आगे जो भी? अब मैं देखिए, सबसे पहली बात कि मेडल योग्यता की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के विभाग में ही लगभग 120 बच्चे थे, लेकिन अगर उसमें केवल मुझे मेडल मिला इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अयोग्य होंगे। बाकी ये है कि वो अच्छे से तैयारी करें, अपने तरफ से वो पूरा 100% दें, तो बाकी मेडल मिले ना मिले, लेकिन वो अगर स्वयं को संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है। क्या बनना चाहेंगे आगे? कोशिश तो यही है कि आज मैं विद्यार्थी दीर्घा में बैठा हुआ था, आने वाले समय मुझे शिक्षक दीर्घा में बैठने का मौका मिले, बस यही कोशिश। विकास रोनिया, 4 मेडल पाए, दिन रात जितना 24 में जितना मुझे टाइम मिलता था उतना मैं मेहनत किया हूँ।
क्या बनने का इरादा है? आईएएस ऑफिसर बनने की इरादा। आप सारे लोग जो सेंटर है वहाँ पर चाय पीने का कोशिश करें। दो मेडल। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप आगे पीएचडी करके यहाँ से निकल करके जाना है और बगल में एक कन्वेंशन सेंटर है। मेरा नाम सपना पांडे है। कितना मेडल पाएंगे? तीन। कितना मेहनत की थी? मेहनत तो सभी करते हैं, हम भी वैसे ही मेहनत किए थे। इसका सहयोग रहा क्या? स्पेशली पेरेंट्स का और टीचर्स का। क्या बोलना चाहेंगे? आगे मुझे सिविल सर्विस में जाना है, सिविल सेवा करनी है कि कुछ ऐसा बने ताकि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े। और थोड़ा होता है दूसरों के लिए करना, दैट इज़ द थिंग। क्योंकि मेरे पापा भी यूपी पुलिस में हैं, सो इन ब्लड में ये कि आप सर्व करें नेशन को, दैट इज़ द थिंग। पुष्पा यादव। कितना मेडल पाए हैं? 8 मेडल पाए हैं। किसमें मिला है? मुझे मिला है एक कला संचय में, संपूर्ण में मिला है, और संस्कृति डिपार्टमेंट से मिला है एक, और फिर उसके बाद और महाविद्यालयों से मिला है। पूरा मिलाकर 8 मेडल्स मुझे मिले हैं। कितना आपको वर्क करना पड़ा था इसके लिए? वर्क वही है कि मतलब प्रोफेसर का सपोर्ट रहा, सभी लोगों ने सपोर्ट किया था। मेरे खुद के पापा भी के लेक्चरर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने सपोर्ट किया, और प्लस प्रोफेसर लोग तो मतलब पूरा मतलब सपोर्ट करते रहे। और वर्क मेरा आने का लक्ष्य ही था, यूनिवर्सिटी आने का मेरा एक ही एम था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। हाँ, बस प्रोफेसर बनने की उम्मीद ने गोल्ड मेडलिस्ट दी आई है। मैंने गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नहीं पहने पढ़ा था, मैंने पढ़ा मैं पढ़ूंगी प्रोफेसर बनने के लिए। मुझे ज्ञान चाहिए था, मतलब रटी रटाई मेरी पढ़ाई नहीं थी, मुझे पढ़ना था, सीएम्स पढ़ना था ताकि मैं आगे चल के जो पढ़ाई करूँ उसे मेरे काम आ सकें। और इरफान, इंग्लिश डिपार्टमेंट से। आगे क्या बनना? अभी तो प्रिपरेशन चल रही है नेट जेआरएफ की। प्लान बनाई आगे क्या बनना? वही असिस्टेंट प्रोफेसर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या तो लेक्चरर किसी इंटर कॉलेज में। अनुष्का सिंह। कितना मेडल मिला? एक ही मिला। एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अंक था मेरा। कुछ बच्चे मेडल नहीं पाते हैं पढ़ाई में, कुछ फोकस हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें? हताश होने का कोई मामला नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जरूर कभी ना कभी सफलता मिलती है। तो आगे चल के क्या बनना चाहिए? हम आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी हम करना शुरू किए हैं। फिर शिवांगी राव। कितना मेडल मिला सर? एक। किस चीज़ में मिला सर? एकेडमिक्स प्लस को करिकुलर, और बाय को करिकुलर आई मीन एनसीसी। क्या बनना आगे चल? सर डिफेंस फोर्सेज में जाना है, आर्मी में जाना है, इसके लिए ही तैयारी चल रही है। कितना मेहनत की थी और माता पिता कितना सहयोग मिला था? सर माता पिता का सहयोग हमेशा से रहा है, दोनों टीचर्स हैं और हमेशा पढ़ने और अलग अलग बाकी खेल कूद में भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया। फादर और मदर आपके टीचर हैं? जी। और आप डिफेंस में जा रहे हैं? सर एक्चुअली जहाँ टीचर है वो आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहीं से मेरा डिफेंस का जो रुचि है वहीं से शुरू हुआ है। अर्जुन कुमार। कितना मेडल मिला आपको? एक मेडल। किस चीज़ में? एमएससी फिजिक्स। आगे क्या बनना चाह रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी।